राम राम चाचा। खुश रहो बेटा, कहाँ से आ रहे हो? मुंबई से काम करके आ रहा हूँ चाचा। भाई मुंबई से? अरे वहां तो कोरोना महामारी है और वहां से तुम आ गए, तुम्हें तो 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रहना चाहिए। ये सब फालतू बात है चाचा, सब अफवाह है, कोई कोरोना वरोना नहीं है। देखना बेटा, तुम्हारी लापरवाही से पूरे गांव में परेशानी ना हो जाए। सब आप लोग सठिया आ गए हैं। डॉक्टर साहब, देखिए ना मेरे बेटे को क्या हो गया है। इसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है और इसे तेज बुखार भी है। अच्छा, आप रोइए मत, मैं देखता हूँ इसे। आप 2 गज की दूरी बना कर रखिए, मैं इसे चेक करता हूँ। अरे इसे तो कोरोना हो गया है, इसे 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा और दवा भी चलती रहेगी, जरा सी चूक हुई तो इसकी जान चली जाएगी। हे भगवान, ये क्या हो गया है मेरे बेटे को? मेरे बेटे को कोरोना कैसे हो गया है? हे प्रभु, अब आप ही बचाइए मेरे बेटे को। हुआ पुत्री, क्यों रो रही हो? क्या कष्ट है तुम्हें? हे प्रभु, मेरे बेटे को कोरोना की बीमारी हो गई है, अब तो इसकी जान चली जाएगी। अब क्या करूं भगवान, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? नारायण नारायण। हे पुत्री, तुम चिंता मत करो, छठ माता तुम्हारी रक्षा करेगी। हे पुत्री, तुम छठ माता की आराधना करो, छठ माता और सूर्यदेव महाराज तुम्हारी सारी परेशानी दूर करेंगे। नारायण नारायण। जैसी आज्ञा प्रभु, मैं अपने बेटे को बचाने के लिए छठ व्रत जरूर करूंगी। Thank you.
से अति प्रसन्न हूं। तुम्हारी सारी परेशानी दूर होगी एवं तुम्हारा पुत्र भी पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा। तथास्तु। बचने के लिए हमेशा मास्क लगाए और 2 गज की दूरी बनाए रखिए। आसपास जहां भी टीकाकरण हो रहा हो वहां जाकर टीका अवश्य लगवाएं। छठ मैया तो रखना कर तुम माई, कुछ दे दे माई, ए माई कुछ दे दे माई, कुछ दे दे। ग्यारह रुपए का दाना है भगवान खासकर किसान को पूछ करें। विकास कुमार जो प्रसाद